बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। साकिब ने राबी के साथ जो किया उसकी वजह से राबी के भाई की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वे सदमा बर्दाश्त नहीं करता और आखिर उसकी मौत हो जाती है। आगे आप लोग देखेंगे कि राबी की भाभी राबी से बदगुमान हो जाती है कि उसके शोहर की मौत सिर्फ उसकी वजह से हुई और वो राबी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और राबी का रिश्ता कराने के लिए वो इधर उधर भटकती रहती है और आखिर एक बूढ़े आदमी के साथ वो इसका रिश्ता करवाने के लिए लग जाती है। वो राबी से आकर कहती है कि देख लो तुम और मुझे तुम बता देना इस आदमी के बारे में। दूसरी तरफ जब जहांगीर को इस सब का पता चलता है तो उसकी भतीजी लाकर उस आदमी की तस्वीर जहांगीर को दिखाती है। जहांगीर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो राबी की भाभी से कहता है कि आखिर क्यों ये सब क्यों कर रही हैं आप क्यों इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। और आखिर राबी आगे कहती है कि बस जहांगीर भाई अब और नहीं, और अपनी भाभी से कहती है कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए और आज ही बुला लें उस आदमी को, मैं आज ही निकाह के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहांगीर ऐसा करने नहीं देता और वो राबी को अपने घर ले जाता है। तो आखिरकार जहांगीर राबी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहने लग जाएं और हम दोनों एक हो जाएं। तो आखिरकार राबी और जहांगीर आपस में शादी कर लेंगे और आगे जो गौहर का इंजाम होने वाला है वो तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि हसन की बीवी ने तो गौहर का जीना हराम कर रखा है। अब वो गौहर को घर से बाहर निकाल कर ही छोड़ेगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, गौहर का इंजाम ठीक होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।